नमस्कार दोस्तों, गोल्ड मॉडल मशीनरी में आप सभी की बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा मिनी राइस मिल मशीन को कंबाइन राइस मिल मशीन जो चेंजओवर होता है वो कैसे फिटिंग किया जा सकता है, कनेक्शन कैसे होता है इस वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए इसमें चार तार निकला है चेंजओवर में, तो ये चार तार मोटर में कैसे कनेक्शन होता है तो आप देखते रहिए। पहले से ये जो चार नट दिया हुआ है ये इसको खोलना पड़ेगा। इसमें दो पत्ती है, ये पत्ती को हटाना पड़ेगा उसका बाद, क्योंकि ये जो मोटर है दोनों साइड घूमता है, इसको चेंज ओवर कहता है, दोनों साइड घूमता है, इसलिए ये पत्ती को आपको दोनों पत्ती खोलना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए हम लोग कैसे कनेक्शन करते। बहुत सारे कस्टमर पेशेंट होके ये जो कनेक्शन है फिटिंग है कर नहीं पाते, तो हम लोगों ने आपको लाइव डेमो करके वीडियो दिखाना हो कैसे इसको फिटिंग करता है। चेंज ओवर में चार तार है और दो तार आपको लाइन में जाएगा, और ये चार तार निकला है ये आपको चेंज ओवर में ये मोटर में लगेगा। तो ये आप देखते हैं इसमें जो दो कलर दिया हुआ है, दोनों कलर कोना कोना, किसी भी कलर में कोना कोना करके दिया जाएगा तो इसमें फिटिंग हो सकता है। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी आदमी इस मिल को फिटिंग करता है और कनेक्शन इजीली कर सकता है। तब देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है, कोई भी आदमी कनेक्शन कर सकता है। तो देखिए ये जो तार है ये ब्लू कलर वाला, इसमें हम लोगों ने येलो कलर इसको दोनों कोना कोना कर दिया और इसको कोना कोना कर दिया। किसी भी कार तार कोना कोना करके लगा देगा तो ये आपको ऑटोमेटिक फिटिंग हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोगों ने कैसे फिटिंग किया है, तो ऐसे करके आप फिटिंग करिए। धन्यवाद।